आर यू ओके? जरूरत हो तो बुला लेना, आई एम अवेक। I can't sit by the window. I'm scared of height. It's suffocating for me. Okay, don't worry. Please follow me. Sanjana. She's afraid of flying and can't sit by the window. Okay, let her sit here until another seat is available. Please take your seat. Thank you. I'm fine now. Uh-huh. Thank you. Okay, all right. Excuse me? कितनी बार कहा है मुझे विंडो सीट नहीं चाहिए, फिर भी नहीं समझते। I'm very scared. मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, उसी वजह से शायद मुझसे ऐसा हो गया। I'm sorry. Excuse me, ma'am. Your seat is available now. Would you like to follow me, please? Thank you. रेशम के धागे से हुआ घाव प्यार से ही भरेगा, ताज्जुब है मेरा प्यार भी घाव से ही शुरू हुआ। ये प्लेस बहुत ही सेफ है, यहां से कहीं भी जाना आसान है। ये मत सोचना कि हम भाग के आए, हालांकि किसी को कह के नहीं आए। जो बीत गया उसके बारे में गम करने से क्या फायदा भाई? जब तू मेरे साथ है तो मुझे क्या गम है। ठीक है, लगे जनता रखवा दे भाई। वैसे हमें हिलाल से मिलने जाना है। पवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षे सा बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम शांति शांति शांति। जजमान, चिता की भस्म को गंगा नदी में बहाकर अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसके खून से उसे भिगोना होगा, तभी मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल पाएगी। उसके भागने में हमारी जीत नहीं है, उसके मरने पर भी हमारी जीत नहीं है। ढूंढो उसे, हमारी जीत तब होगी जब उसकी मौत मेरे हाथों से होगी। जजमान, गुस्से में इन लोगों का दिमाग काम नहीं करता।
घर आकर बाप को मार दिया और उसे ढूंढने का मतलब अपनी मौत को ढूंढना है, ये नहीं बदलेंगे। हाय सहस्त्रा। हाय। डैडी कैसे हैं? डैडी इज फाइन नाउ। सहस्त्रा हम लोग बाद में मिलते हैं, तुम्हारे प्रोग्राम का टाइम हो गया है ना। अब तुम जाओ, स्क्रिप्ट इज रेडी। ओके ओके। वेलकम बैक। कुआलालंपुर में आप सभी लोगों को ये स्माइली सहस्त्रा कह रही है। हेलो, हाय, नमस्ते। हर दिन हम आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम हेलो जिंदगी में। और आज का टॉपिक क्या है? एनी गेसेस? यात्रा, जर्नी, सफर। यस, लाइफ इज अ जर्नी। अपने इस सफर में हमें बहुत से लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तो याद रखने लायक नहीं होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप चाह कर भी भुला नहीं पाते। उन लोगों के साथ बिताए हुए अनुभवों को अगर आप याद करेंगे तो आपके होंठों पर हंसी आ जाती है। उनके साथ बिताए हुए लम्हे आपके जहन में घूमते रहते हैं। आप उनका नाम और पता नहीं जानते हैं, फिर भी आप उनसे दिल से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो मुझे कॉल कीजिए 03078689 पर। और तब तक के लिए ये खूबसूरत गाना आपके लिए। यहाँ पे सब कुछ ठीक है जीजू, अभी हम लोग हिलाल से मिलने आए हैं। सूर्या कैसा है? He's fine. उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया है, मतलब किसी प्लानिंग में है। हमें केयरफुल रहना होगा इस वक्त की सिचुएशन में। सूर्या यहाँ आकर पागलपना ना करने पाए, इसका ख्याल रखना। ओके जीजू, आई विल टेक केयर, यू डोंट वरी। तुम्हारी मम्मी ने बात की थी तुम्हें यहाँ भेज कर, उन्होंने अच्छा किया। Yes, जब तक तुम यहाँ रहोगे सिद्धार्थ बनकर रहोगे, किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताओगे। अगर किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। भाई, आर यू ओके? जरा दिखाओ, इन्फेक्शन तो बहुत जबरदस्त है। यहाँ अपना हॉस्पिटल है पर पुलिस की प्रॉब्लम भी है, मैं फोन कर देता हूँ, तुम लोग जाओ। हेलो, क्या है ये? तुम कब गई कब आई? बॉस जितना दिन सैंक्शन करे उसे लीव कहते हैं, अपनी मर्जी से छुट्टी बढ़ा लोगी तो उसे अनवांटेड एडवांटेज कहते हैं। नहीं, नेग्लिजेंस कहते हैं। सर, मेरे डैडी की हेल्थ ठीक नहीं है, उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं। अच्छा अच्छा, हेल्थ ठीक नहीं है तब तो तुम्हारी छुट्टी लेना लॉजिकल है। थैंक यू सो मच। शट अप एंड लिसन। ऑफिस को क्या समझा है तुमने? तुम ऐसे बहाने बनाओगी और मैं यहाँ बैठकर सुनता रहूंगा? तुम्हारी ऑन एयर शेड्यूलिंग ड्यूटी चार्ट के हिसाब से होती है, उस टाइम पे तुम्हें बकना ही है और यही तुम्हारी जॉब है। अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है और ये फिर से रिपीट हुआ तो माउथ और माइक के बीच का जो कनेक्शन है वो मैं कट कर दूंगा। एंड नाउ गेट आउट। मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझसे ऐसे बात नहीं करता तो फिर ये कौन है? इडियट कहीं का, इसको एक अच्छा डोज देना पड़ेगा। Chill, yaar. Hi, Sahastra. Hi. How are you? Fine. Okay, I'm fine. I'm going. Okay, bye. And what else? You're looking great. Really? Boss के लिए है? हाँ. Boss तो गर्म हो रहे हैं. ठंडा पानी दो. Okay. रुको. बाय। वेट, किसके लिए? बॉस के लिए। उसे कॉफी नहीं, एक कप जहर दे दो। आउट।
Hey. Oh, thank you. ये मेरा है. Please, दे देना. Please. Come on. Please. Okay. सुनना, अभी 10 मिनट में बॉस के केबिन से आवाजें आने लगेंगी. कैसी आवाजें आएंगी? पहले उनके पेट से गुड़गुड़ आवाज आएगी, उसके बाद उनके मुंह से आवाजें निकलेंगी. हुँ? फिर वो बाथरूम में जाएंगे और वहाँ से आवाजें आएंगी, और फिर एम्बुलेंस आएगी. एम्बुलेंस क्यों आएगी? यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए मैं आई हूँ या तुम? तुझे यहाँ तक लाते लाते मैं थक गई हूँ. बॉस की कॉफी तुमने क्यों ले ली थी? मुझे कैसे पता चलता कि तूने कॉफी में कुछ मिलाया है? जल्दी कर, जल्दी डॉक्टर चले जाएंगे. डॉक्टर से पहले मुझे वॉशरूम जाना है. कल तक तो आप ठीक थी ना? दरअसल मुझे व्हीलचेयर में बैठना पसंद है. ये मेरी फ्रेंड है पूजा. हाय. हाय. इसका स्टमक अपसेट था इसलिए हॉस्पिटल ले आई. पर आप यहाँ कैसे? ओ गॉड, इतनी खरोंच लग गई. इन्फेक्शन हुआ है क्या? हुआ, बहुत ज्यादा, दिल तक हुआ. आई एम सॉरी. जस्ट किडिंग, छोटा सा एक्सीडेंट है, दैट्स इट. बाय द वे, आई एम सहस्त्रा, आरजे. वैसे आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? इसके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है. उस वक्त मुझे नहीं पता था उसी से मेरी जिंदगी शुरू हो जाएगी, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे इस सवाल का जवाब देना ही होगा. वेलकम टू हेलो जिंदगी. मैं हूँ आपकी दोस्त स्माइली सहस्त्रा. आज वर्ल्ड स्माइल्स डे है, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी स्माइल्स डे. आई विश कि आपका आज का दिन हैप्पी हैप्पी गुजरे, और कोशिश कीजिए कि आज के पूरे दिन आपके फेस पर स्माइल बनी रहे. आज की शाम FM के द्वारा KLCC के पास वर्ल्ड स्माइल डे इवेंट चल रहा है, सो कम एंड सेलिब्रेट विद समवन यू लव. तो अब हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है कोइंसिडेंस. कई बार ऐसा होता है कि जो हमें ज्यादा पसंद है वो हमें बार बार याद आता है. दिल करता है कि हम उनसे बार बार मिले, वो हमारे सामने आ जाए, और कभी कभी वो हमारे सामने आ जाते हैं. आई विश ऐसा मेरे साथ भी हो. आपकी जिंदगी के ऐसे कोइंसिडेंस मेरे साथ शेयर करने के लिए मुझे कॉल कीजिए 0302078 पर. थैंक यू. वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया. सिद्धार्थ.
भाई को खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लाइट से इतना डरने वाली इतनी दूर कैसे आ गई? ये प्लेस, ये जॉब, ये फ्रेंड्स मेरी खुशी है। इसे पाने के लिए मैं अपने डर पर काबू करके यहाँ तक आई हूँ। अपने डैड को मना कर। एनीवेज, व्हाट अबाउट सिद्धार्थ? हाँ, मेरे पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट एक किताब जिसमें अभी लिखना बाकी है। आई लाइक फिलोसफी बट मुझे समझ नहीं आती। ये जो हमेशा आपके साथ घूमते रहते हैं कौन है वो? वो ऑरेंज टी शर्ट वाला मेरा भाई है। मदर्स डे पे मेरी मॉम बचपन में ही गुजर गई, उसे मैंने ही पाला है। और वो दूसरा वाला, उसके डैड बचपन में ही उसे हमारे पास छोड़कर चले गए। He is also like my brother. Oh, कब तक रहेंगे आप यहाँ? पता नहीं। What? One day, one week, one month or one year? ऐसा कोई तो प्लान बनाया होगा? It depends on my mood. वो कब तक रहेगा पता नहीं। ओए, that's too much. आज का दिन स्माइल्स डे है, जोक करना चाहिए, फिलोसफी नहीं। ठीक है, मैं एक जोक सुनाती हूँ। एक टीचर ने एक स्टूडेंट से व्हाट इज योर फादर्स नेम ऐसा पूछा, तो फिर उस लड़के ने कहा गॉड सर्वेंट वाटर किंग। टीचर ने कहा ये कैसा नाम है? स्टूडेंट ने कहा भगवान दास गंगा राज। ओ गॉड, थोड़ा तो हंसो, स्माइल, कम ऑन, आज स्माइल्स डे है, थोड़ा हंसो प्लीज, कम ऑन। सहस्त्रा, बॉस बुला रहे हैं, जल्दी चलो, प्रोग्राम चालू होने वाला है, चलो जल्दी। कम ऑन, आई हैव टू गो। एंड यस, डोंट लूज स्माइल ऑन योर फेस, इट सूट्स यू अ लॉट, बाय। आंखें देखकर इंसान के बारे में जाना जा सकता है। तुम्हारी आंखों में बहुत गहराई है, उन्हें देखकर तुम्हें समझने का नहीं उनमें गिर जाने का मन करता है। शायद तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हो। मुझे एक झूठा बनकर नहीं रहना, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। हाँ। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम भी सच्चे, और अगर मेरा प्यार झूठा तो तुम भी झूठे। हे, कॉफी। थैंक यू सिद्धार्थ। आई मिस इंडिया। हम इंडिया कब जा रहे हैं? डैड से हमारे बारे में बात भी करनी है। तो उन्हें बता दो ना। फोन पर नहीं, जब मेरे डैड अच्छे मूड में होंगे तब उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी, और फिर तुम आकर उनसे मिल लेना। पहले मुझे अपनी मॉम को बताना। क्यों, तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं आऊंगी? इतनी आसानी से मेरी मॉम को कुछ पसंद नहीं आता। अगर आ जाता तो अब तक मैं सिंगल थोड़ी रहता और तुमसे मिल पाता क्या? ए, अब तक तुमने अपनी मॉम को कितने लोगों से मिलवाया है? ए, यू?
सोचा था सब कुछ छोड़ दूंगा, पुरानी यादें, गांव और सब कुछ, लेकिन मेरा अतीत और मेरा आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हेलो। हाय सहस्त्रा। तुम अर्जेंटली ओएसएस के पास आ जाओ, ठीक है? लेकिन क्यों? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। मार दिया उसे। महीने तक ढूंढने के बाद वो हाथ में है, तब भी उसे नहीं मार सके। 10 लाख मांगना आता है, गिफ्ट मांगना आता है, पेमेंट मांगना आता है, लेकिन काम कहा जाए तो वो नहीं आता है। हैं? पैसा क्या तो कोई बात नहीं भाई, आप जाएंगे तो जाएंगे, मतलब वो नहीं भाई, मलेशिया जाएंगे तो मुझे ही मलेशिया जाना होगा, जाऊंगा। Surprise, bhai! Happy birthday to you! Come! Many happy returns of the day! Happy birthday to Thank you! Come on! Many happy returns of the day, big brother! one second. This cake is not good. एक अजीब सी स्मेल आ रही है। ठीक तो है। Are you okay? डॉक्टर के पास जाना है? स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है।
चलो घर चलते हैं। ओके, कम। बात को समझो माँ, मैं उसे बता नहीं सकता, बताऊंगा तो भी वो सुनेगा नहीं ना। मैं किशोर को भेजती हूँ, तुम लोग संभाल कर। ओके माँ, ओके मानो। ठीक है, हाँ भाई। आर यू श्योर? तुम्हें फिर से चेक कराना चाहिए, एक बार और टेस्ट कर लो। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, 10 बार कर चुकी हूँ, एंड इट्स ऑल पॉजिटिव। दुखी हो या खुश हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे डील करोगी तुम? मैं वहाँ आऊँ क्या? नहीं नहीं, यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। उसे बता दिया? अभी तक नहीं, जब सही समय आएगा तब उसे गुड न्यूज दे दूंगी। ए भानु। ओके बाय। ओके तुझे फोन करती हूँ। थैंक्स भानु। पूजा से बात कर रही थी, उससे बात किए हुए काफी दिन हो गए थे। तुमने कुछ सुना? सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, हम लोग इंडिया कब जा रहे हैं, डैड को इस बारे में कैसे बताऊंगी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जीजू अभी ही तो आए हैं, भाई उनसे बात कर रहे हैं ना। वैसे भाई आज इंडिया जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझसे अभी कुछ मत पूछो तुम, बस एक छोटा सा फेवर कर दो, ये प्रेगनेंसी वाली बात भाई को मत बताना। बिना बताए कैसे? ट्रस्ट मी सहस्त्रा, अभी मत बताओ, जब भाई इंडिया से वापस लौट आएंगे ना तो मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा, ट्रस्ट मी। तुम यहां पर हो ये बात उन्हें पता चल गई है, अब हम एक ही काम कर सकते हैं, ये झगड़ा यहीं खत्म करें। वैसे भी नुकसान तो दोनों ही फैमिली का हुआ है, उनकी तरफ से पहल हो चुकी है, उन्होंने कहा था हम बैठ कर बात करते हैं। मुझे बाहर निकालने के लिए उनका ट्रैप है। नो 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 नो, इट्स नॉट अ ट्रैप, ये प्रपोजल उसके दादा का है और वो उनके भाई की जैसे नहीं है, वी कैन बिलीव हिम। या तुम्हारी मम्मी ने भी यही बोला है, तुम जाओगे तो वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं, उस बूढ़े के मरने से पहले ही वो सब लफड़ा खत्म करने की सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से सही यही होगा कि तुम जाकर उनसे सब सेटल कर लो। लड़की प्रेग्नेंट है। किशोर इस वक्त मीटिंग में। किशोर डिनर के लिए आएगा क्या? किशोर तुम डिनर के लिए आ रहे हो ना? नो 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 नो, मेरी 7 बजे की फ्लाइट है, वो नहीं आ पाएगा। ओके, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। क्या? इवनिंग में मिलेंगे तब बताऊंगा। ओके बाय। बाय। सो अज्ञातवास छोड़ने के लिए बोल रहे हो, देखते हैं क्या होता है। सारा सेटलमेंट होने तक उस लड़की से दूरी रहो तो बेहतर है। कौन सी लड़की? वही सहस्त्रा। जस्ट शट अप, क्या करना है क्या नहीं करना मुझे पता है, जिस बात से तुझे लेना देना नहीं उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। यह था हमेशा मेरे साथ रहे, चाहे उस दिन के जैसे डर में या आज जैसे प्यार में। ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी। हम लोग इंडिया जा रहे हैं। रियली? ये? बट पहले मैं जाकर सब कुछ सेट कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें आकर ले जाऊंगा। देखो सिद्धार्थ प्लीज, मुझे भी तुम्हें अपने साथ ले चलो प्लीज, सिद्धार्थ ले चलो प्लीज। अगर मजे से रहना है तो मेरा जाना जरूरी है, डोंट वरी, मेरे आने तक भानु यहीं पर है, ही विल टेक केयर ऑफ यू। तुम वापस लौट कर आओगे ना? विल यू मैरी? तुम्हारे आने पर मैं तुम्हें एक सरप्राइज न्यूज़ दूंगी। और वो क्या है? इट्स अ सरप्राइज।
बंजर जमीन पर पैदा हुए लोग भी अपनी मिट्टी पर भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि अपने जानवरों को भी अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। ऐसे में अन्न देने वाली जमीन को कोई बर्बाद करे तो क्या हम चुप रहेंगे? इस साल भी बोली में हमारी ही जीत हुई है। इस साल का लाइसेंस हमें ही मिला है। बिना डरे हिम्मत से खेती करो। मेरे जीते जी यहाँ कभी भी माइनिंग नहीं आ पाएगा। चंद्र प्रताप जी की जय। 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 हाँ वो निकल गए भाई। अंकी नायडू ने पिताजी को मार डाला, आप जल्दी आ जाइए। 10 साल वो अपने पैरों के नीचे करोड़ों की संपत्ति से अनजान ऐसे ही बैठा रहा। उसने मिट्टी पे भरोसा किया, हमने उसे मिट्टी में मिला दिया। अब इस जगह पर अपना सामना करने वाला कोई नहीं। कभी भी उनके बेटे इन सब झगड़ों में ना पड़े बस यही सोचते रहते थे। तुझे जन्म तो नहीं दिया पर माँ बनकर तेरी जिम्मेदारी ली है, उसी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ मैं। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी कर दो सूर्या। मुझसे भागने के लिए कह रही हूँ? गुस्से में लोग अपनी ताकत ही इस्तेमाल करते हैं, मैं अकल इस्तेमाल करने को कह रही हूँ। ये फैमिली दूसरी मौत सहन नहीं कर सकती सूर्या। जब तक ये हालात सुधर नहीं जाते तब तक तुझे यहां से दूर रहना होगा। आ गए भैया। माँ कैसी? ठीक है, कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं? चलो। कैसी हो माँ? अपने बेटे से दूर रहकर एक माँ कैसी होगी सूर्या। अच्छा ठीक है, तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। किशोर कहाँ है? शायद किसी मीटिंग में फंसा हुआ होगा। I'm happy for you. You're getting married. Thank you so much. Sir, you know she's getting married. Oh, congratulations. Thanks. सहस्त्रा, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम बार बार अपनी सैंक्शन लीव को क्यों एक्सटेंड करती थी। अब तुम्हारा शो मिस होता था तो मुझे डांटना पड़ता था। सहस्त्रा। ये हम कहाँ आए हैं? सरप्राइज है। है?
सिद्धार्थ का फोन है। फोन मत उठाना वरना सरप्राइज मिस हो जाएगा। किशोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ के साथ तुम इंडिया नहीं गए? प्लीज सिट। तो तुम इतने दिनों तक सिद्धार्थ के साथ रही? व्हाट डू यू मीन? आई मीन सिद्धार्थ ने जो तुम्हें चांद की कहानियां सुनाई अब वो खत्म हो गई हैं। जरा एक क्राइम स्टोरी देखो। उसका नाम सूर्या है, सूर्य प्रताप। वो किसी और को नहीं मार रहा, वो है मोस्ट डेंजरस माइनिंग माफिया किंग अंकी नायडू। उसके आदमियों से बचने के लिए उसने यहां शेल्टर लिया है। उसके बारे में तुम्हें क्या बताया गया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो अभी देखा है वो है गैंग वॉर। इन दोनों फैमिलीज के बीच में सेटलमेंट हो जाए इसके लिए मैं ट्राई करता आ रहा हूं। अब एक चांस मुझे और मिला है, लेकिन उसके बीच की सबसे बड़ी रुकावट तुम हो। मैं हूं? यस, सूर्या यहां पर है, उन्हें पता चल गया था। इनफैक्ट उस पर एक बार अटैक भी हो चुका है। अगर उनमें बातचीत नहीं हुई तो वो लोग सूर्या को जान से मार देंगे। सो अगर सूर्या को जिंदा देखना है तो तुम्हें उसे भूलना होगा। मैं नहीं मानती, यही बात सिद्धार्थ के मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो भी यही कहेगा जो मैंने कहा, वो मारा जाएगा तुम्हारी वजह से। I'm pregnant. ये बात मुझे पता है, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। We'll take care of it. What do you mean? Doctor. Leave me. I said leave me. Hey, मैं जो कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा? मजाक समझ रही है? सूर्या को मार डालेंगे वो लोग। उसे नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। भानु, भानु, please help me. भानु। जैसे ही काम हो जाए इसके घर भेज दो इसे। सूर्या को नहीं छोड़ने पर क्या हो सकता है इसे समझा देना। जीजू प्लीज, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हाँ गलत है, अब तक जो हुआ है वो सब सही है, सिर्फ ये गलत है। मैंने जो कहा वो कर। मेरा भाई मरा तो उसी दिन मैं भी आधा मर गया। अब कोई भी मौत हुई तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए अपनी दुश्मनी भूलकर तुम लोगों के लिए यहाँ पंचायत में आया हूँ। तुम हो चाहे किशोर, भानु, विक्रम, बच्चे हो, तुम लोगों की पूरी जिंदगी बची है। चाहे कोई भी किसी को मारे, चाहे कोई जेल जाए, दोनों ही परिवारों का नुकसान होना तय है। अब तक तो दोनों परिवार मरने और मारने के लिए ही जी रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों को भूल के चैन से जी सकें इसलिए यह पंचायत बुलाई है।
कल तक आपस में ही तलवार खींचने वाले, आज दुश्मनी भूल के गले मिलना चाहोगे तो मुश्किल होगी। मुझे पता है बेटी विश्वलक्ष्मी, एक मंगल सूत्र से दो मन मिल जाते हैं, विवाह बंधन दो परिवारों को करीब ले आता है। मैंने भाई की लड़की से पूछा, बेटी ये आपसी दुश्मनी खत्म करने के लिए जिसने तुम्हारे बाप को मारा उसे मंगलसूत्र बंधवाओगी क्या? तो उसने कहा, बड़े पापा दुश्मनी को जीतने का एकमात्र तरीका है प्रेम। सूर्या, अप्सरा और तुम एक ही गली में पले हो, एक ही स्कूल में पढ़े हो, अब इन दोनों परिवारों को शांति और सुकून से रहना है तो आप दोनों की शादी के सिवाय मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब तुम लोग ही सोचो, मिलकर रहना चाहोगे या मार कर मरोगे, सुख की रोटी खाओगे या एक दूसरे का खून पियोगे। सूर्या, ये बात कर रहे हैं ना, घर निकालने का मतलब? किशोर, तुम्हारी बात मानकर कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत बड़ी गलती की, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, गन को नीचे करो। नीचे करो। मीटिंग को छोड़कर तुमने गलती की सूर्या, हम झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, तुम आग में घी डाल रहे हो। तुम्हारे साथ भानु की भी पूरी फैमिली मार दी जाएगी, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्रा को भानु ने सब बता दिया है, मैंने ही कहा था उससे, इट्स ऑल ओवर। क्यों बताया उसको? देख रही है वो। How is her condition, doctor? There is nothing to worry. Minor injury. She'll be fine. And how's the baby? Baby is okay. Thank you. Hello? वो लड़की वहां से भाग गई। तू वहां क्या कर रहा था? मुझे बताया क्यों नहीं? बताने की जरूरत नहीं समझी। जरूरत नहीं? तुम अंदर जाओ। जरूरत नहीं समझी मतलब? वो भाग रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। और वहीं उसका अबॉर्शन भी हो गया। अरे शो, अभी डॉक्टर ने बताया। सूर्या वहां पहुंच रहा है, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, पर वो लड़की यहां नहीं आनी चाहिए। ओके ओके। मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो भानु? अगर भाई इंडिया में अंकि नायडू की बेटी से शादी करते हैं तो ही झगड़ा बंद हो सकता है, उन्होंने यही कंडीशन रखी है, वरना भाई की जान को बहुत खतरा हो सकता है। तुम प्रेग्नेंट हो, अगर ये बात भाई को पता चलेगी तो वो शादी नहीं करेगा और तुम दोनों की जिंदगी को खतरा बढ़ जाएगा। शास्त्रा, अगर तुम भाई से सच्चा प्यार करती हो तो प्लीज उन्हें छोड़ दो। सहस्त्रा, 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 सहस्त्रा कहाँ है? वो चली गई भाई। कहाँ गई?
जीजू ने उसे सब कुछ बताने को कहा तो मैंने सब बता दिया। वो अपना लगेज लेकर चली गई। तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? भाई उसका फोन तेरे पास कैसे? वो भूल गई तो मैंने। जब पापा इस दुनिया से चले गए थे तब भी इतना दुख नहीं हुआ था। सहस्त्रा मुझे छोड़कर नहीं गई बल्कि मुझे और मेरे दिल को अपने साथ लेकर चली गई। आदमियों की जात ही ऐसी होती है, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम कितना भी प्यार करो लेकिन कभी भी आंख बंद कर भरोसा मत करो। क्रिमिनल कहीं का। उसे कुछ मत बोल पूजा, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता उसे? हाँ, उसका नाम तक सच नहीं है, उसका प्यार भी सच नहीं है। सहस्त्रा, और तुम उस पर अभी भी यकीन कर रही हो? उसकी भलाई के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करने की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत पूरी हो गई तो वो तो चला गया ना। सहस्त्रा, सिद्धार्थ आया है, उसे यहाँ से भेज दो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे ना ही उससे मिलना है और ना ही बात करनी है पूजा, उसे वापस भेज दो। प्लीज सेंड हिम अवे। अब क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुम पूजा, अगर तुम सच में मेरा भला चाहती हो तो उसे वापस भेज दो प्लीज पूजा। हेलो पूजा, शास्त्रा को मैंने हर जगह ढूंढा पर मुझे मिली नहीं वो। मैंने सोचा कि वो तुम्हारे साथ होगी। जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है, एक बार मिलूंगा तो सब सॉल्व हो जाएगा। प्लीज उसे बुलाओ ना। पूजा, पूजा। देखो सिद्धार्थ, ओ सॉरी सूर्या, वो कॉकरोच को भी देखती है तो डर से भाग जाती है, और तुम तो इंसानों को मारते हो, तुम्हारे पास वो कैसे आएगी? उससे दूर रहो, इसी में सबकी भलाई है, और वो वैसे भी तुमसे मिलना नहीं चाहती। मेहरबानी करके चले जाओ। सहस्त्रा, 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 पूजा प्लीज हटिए प्लीज। सहस्त्रा, सिद्धार्थ, सूर्या, जाओ यहाँ से। देखिए अब सहस्त्रा, सूर्या, कहाँ नहीं यहाँ से जाओ, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। Put the gun down. I said, put the gun down. I said, put the gun down. Thank you.
थैंक्स हिलाल, सूर्या को सेफली मलेशिया से इंडिया भेजने के लिए। सूर्या डिपोर्ट हुआ था इसलिए मलेशिया नहीं जा सकेगा। उस लड़की से दोबारा मिलना है तो सूर्या सिर्फ आपके जरिए ही मिल सकता है। मेहरबानी करके उस लड़की को इससे दूर रखिएगा। अरे रे, आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ की स्थिति मुझे पता है। सूर्या ने ऑलरेडी मुझे कॉल किया था। कॉल किया था? आप डरिए मत, मैं सब देख लूंगा। इस प्रोग्राम की वजह से मुझे काफी लोगों से जुड़ने का मौका मिला और कुछ लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन अब जाने का समय आ गया है। किसी ने कहा है कि जिंदगी में मिलना बिछड़ना तो लगा ही रहता है। कितना सच कहा है ना, जिसे 10 फीट की ऊंचाई से भी देखने पर चक्कर आने लगता हो, उसे फ्लाइट में चढ़ाकर इतनी दूर लाकर आप सब लोगों से बात करने का मौका दिया। मेरी फ्रेंड पूजा ने, थैंक्स फॉर एवरीथिंग पूजा। आप लोगों ने इतने कम समय में मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। Forever yours, स्माइली सहस्त्रा। Farewell सहस्त्रा, I wish you a very happy journey. तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट देखता था तो मेरी चिड़चिड़ाहट दूर हो जाती थी। अब तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। टाइम विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। गुड लक। सहस्त्रा, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। थैंक्स। फेयरवेल सहस्त्रा। थैंक यू। जिस डर ने मुझे मेरे प्यार से मिलाया था, उसी डर ने मुझे मेरे प्यार से दूर भी कर दिया। सॉरी सूर्या, सहस्त्रा तुमसे नहीं मिलना चाहती है। उसे प्रॉब्लम क्या है? मैं उस लड़की के पास गया था, उसे सब कुछ बताया, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, पर वो सुनने को तैयार नहीं हुई। बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, मुझे बाहर ढकेल दिया। अब उस लड़की के बारे में सोचकर तुम अपनी लाइफ वेस्ट मत करो। थैंक यू। सहस्त्रा, सहस्त्रा संभल के बेटा, सहस्त्रा रुक जाओ बेटा, उधर कांटे हैं, उधर मत जाओ। ए सहस्त्रा, क्या हुआ, बिना बताए आ गई? पागल कहीं की, पापा को देखने का मन किया तो आ गई? हाँ, अरे रो मत, अब आ गई है ना, तो पापा के साथ ही रहना। हाँ चल आ जा अंदर, चल। सूर्या,
मैं जानती हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो। तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करती हो। दोनों घरों के बीच में जो दुश्मनी चली आ रही है, तुम्हें ही उसे खत्म करना होगा सूर्या। और उसके लिए तुम्हें अप्सरा से शादी करनी होगी। माँ, दुश्मनी मिटाने के लिए प्यार का गला घोटना खुदकुशी के बराबर है। यहाँ मेरे साथ आओ। तुम्हारी शादी से सिर्फ दो परिवारों की ही समस्या हल नहीं होगी सूर्या, बल्कि सारे गांव वालों को खुशी मिलेगी। तुम्हारे पिताजी को ये गांव वाले बहुत प्यारे थे और ये लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। अगर इस गांव में माइनिंग करेंगे तो आजू बाजू के सभी गांव वालों को गांव छोड़कर जाने की नौबत आ जाएगी। इसलिए हर साल माइनिंग को नीलामी में खरीद कर माइनिंग करना छोड़ देते थे। इनकी भलाई के लिए उन्होंने कभी भी पैसे की परवाह नहीं की और आखिर में इनके लिए अपनी जान भी गंवा दी। भूल गया क्या सूर्या, आज उनकी फैमिली ने इन तक आने वाले पानी को रोक दिया है और पानी के बिना इनकी फसलें बेकार हो रही हैं। अगर इनके चेहरे पर मुस्कान वापस लानी है सूर्या, तो इन दो फैमिलीज को मिलना ही होगा। और अगर दोनों फैमिलीज को मिलाना है तो तुम्हें अप्सरा से शादी करनी होगी। अब फैसला तुम्हारा है बेटा। अप्सरा, मेरी आंखों के सामने जिसने पिताजी को मारा और जो मेरे हाथों से मरने वाला है, उससे मंगलसूत्र बंधवा रही हो? सूर्या को आप मारना चाहते हैं और मैं उसे अपनाना चाहती हूँ, और अब वो मेरा हो चुका है, तो इस नाते वो आपका जीजा हुआ भैया, कोई दुश्मन नहीं। मुझे पसंद नहीं, फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए अपने गुस्से को मार रहा हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगी तो वो खुद ही मर जाएगा। मेरी ही नजर लग जाएगी तुम्हें, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मांगनी का समय हो चुका है, जल्दी लेकर आओ इसे। हाँ बहन। ये लो, मैं नीचे जा रही हूँ। जीजू आ गए, रिसीव करने चलो। इस पत्री के मुताबिक आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी के अनुसार हमने विवाह का दिन निश्चित किया है। सभी गणनाओं को ध्यान में रखकर स्वाति नक्षत्र के शुभ लग्न में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सुबह 11:45 का मुहूर्त विवाह के लिए अत्यंत शुभ पाया गया है। अब आप अपनी अपनी थालियां बदलिए। ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवंते वो बृहस्पति ध्रुवंत इंद्रस्य राष्ट्रं धारयताम ध्रुवम् नवो नवो भवत जायमानोऽग्ना।
पापा। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पापा। मुझे पता ही था। आजा आजा। देख इसलिए तेरी शादी के लिए मैंने कितना कुछ खरीदा है, ये देख दिखाता हूँ। ये देख कुछ जेवर है इसमें। ये सब मैंने तुझे दुल्हन बनाने के लिए खरीदा है। सब एक एक करके जुटा रहा था। पापा सुनिए तो। ये रहा नेकलेस। हाँ अगर तेरी माँ होती ना तो तुझे सब पहना के देखती। ये देख ये एक और सेट। ये सब कुछ तेरी शादी के लिए तो जमा किया है बेटा। मेरी शादी नहीं हो पाएगी पापा, हम लोग अलग हो गए हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। नहीं नहीं बेटी, आज तक मैंने जिस पौधे को पाला उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैंने जब जब सोचा उसने फूल दिए और जरूरत पड़ने पर फल भी दिए। लेकिन तू शादी के बिना इस तरह प्रेग्नेंट होकर मेरी परवरिश से तूने विश्वास उठा दिया। पापा। आंटी जी एक मिनट। मैंने मन्नत मांगी थी कि सूर्या रिश्ता अपनाएगा तो मंदिर जाऊंगी। ये लीजिए प्रसाद। गांव के सभी लोग तो सूर्या की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आंटी। कहाँ है सूर्या? एक मिनट। ए इधर आओ। जी क्या नाम है तुम्हारा? यशोदा। देखो यशोदा जल्दी से जाकर आरती की थाली लेकर आओ। मैं आंखें बंद कर रही हूँ, मेरी आंखें खुलने तक थाली मेरे हाथ में होनी चाहिए। ठीक है। गांव वालों की नजर, मेरी नजर, तुम्हारी मम्मी की नजर और इस यशोदा की नजर, सबकी नजर पे थू थू थू। यशोदा बाहर फेंक कर आओ। जी ठीक है, अब अंदर आ सकते हो। बिना मुझे जाने अभी आपका बेटा मेरे साथ 7 कदम चला है। सूर्या अपना हाथ दो। ये मेरी तरफ से गिफ्ट। तुम्हारे मन में अगर कोई है तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में सिर्फ तुम ही तुम हो सूर्या, और हमेशा तुम ही रहोगे। मैंने तेरी समस्या को एक बाप की नजर से देखा, माँ की नजर से बिल्कुल नहीं देखा। मुझे माफ कर दे बेटी। मेरी सहस्त्रा हमेशा हंसती थी, खुश रहती थी और सबको हंसाया करती थी। अब तू माँ बनने वाली है तो तुझे भी खुश रहना चाहिए। अगर तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा।
हेलो, इवेंट मैनेजर कंट्रोवर्सी कामेश्वर स्पीकिंग। अप्पल राजा बोल रहा हूँ। कल मेरे बेटे का बर्थडे आप लोगों ने मनाया था। हेलो सर, आप कैसे हैं? सब ठीक तो है? कल का डेकोरेशन कैसा लगा? बाप रे, डेकोरेशन तो कमाल का था। मेरे बेटे ने जब अपनी फोटो फेसबुक पे डाली तो लोगों ने कमेंट किया कि वो फूल के दुकान पे बैठ के अपना जन्मदिन क्यों मना रहा है। डेकोरेशन साइड में कीजिए सर, फूड बताइए, फूड कैसा लगा आपको? फूड हमारे सगे संबंधियों ने इतना खाया कि वो सब हॉस्पिटलाइज हो गए, मुझे फोन तक नहीं कर पाए। इतना कमाल था आपका खाना। अरे वो तो भगवान की दया से मेरा उपवास था, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो उनके साथ साथ मैं भी एडमिट होता। सर मेरा कुछ पेमेंट बैलेंस था, तो अगर वो भिजवा देते तो। रास्ते के बगल में इडली बेचने वाले से तूने कैटरिंग करवाई और मंदिर के सामने फूल बेचने वाले से तूने डेकोरेशन करवा दिया, तेरे लिए तो एडवांस ही काफी था। अब अगर एक बार भी तुमने पेमेंट के बारे में बात की तो डेथ इवेंट का इंतजाम तुम्हारे लिए मैं करूंगा। चल रहा फोन अपना। कस्टमर टू मच सेटिस्फाई होने के बाद कॉम्प्लीमेंट देने के लिए फोन कर रहा है। क्या है, मैंने सब कुछ सुन लिया। कैसे? रिसीविंग वॉल्यूम कम कर लो। अरे शेखर। हाँ सर। वहाँ फूल पैक करके रखे हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं। काफी फंक्शंस करवा रहे हो। तो ये है कि कस्टमर्स फोन करके गाली दे रहे हैं चाचा। मतलब सबको सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते ना, जो सेटिस्फाई नहीं होते वो फोन पे गाली दे देते हैं। अरे वाह, बड़ा अच्छा डेकोरेशन किया है, आप तो बड़े टैलेंटेड हैं। यार रियली फैक्ट ऑफ द डे, आप में इतना टैलेंट है पता होता तो अपने गैंग में शामिल कर लिया। और क्या फैक्ट ये है? हाँ, ये डेकोरेशन मैंने नहीं किया। ओ, ओ, तो फैक्ट ये नहीं है, कुछ दूसरा है। ओ, तो फैक्ट क्या है सर? सहस्त्रा, ये मेरी बेटी सहस्त्रा है, ये लोग इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं बेटा, अपने रेगुलर कस्टमर। हाय हाय, आई एम कंट्रोवर्सी कामेश्वर। मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं क्या? फैक्ट ऑफ द डे, कंट्रोवर्सीज से दूर रहने के लिए ट्राई करना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है मैडम, हमारी टीम में कोई भी अक्लमंद नहीं है और आपका डेकोरेशन तो बहुत ही सुपर लग रहा है, आप हमारी टीम ज्वाइन कर लीजिए ना प्लीज। हाँ मैडम। नो, प्लीज ना मत बोलिएगा। ना मत बोल बेटी, बाहर जाकर 10 लोगों से मिलेगी तो तेरा दिल भी खुश रहेगा ना। तो ठीक है, 4 दिन काम करके देख ले, अगर पसंद आया तो आगे करना, वरना मना कर देना प्लीज। ये अच्छा रहेगा बेटी। थैंक यू। वन मिनट। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू सर, मैं अभी आ जाऊँ क्या सर? आ जाऊँ? ओके सर, थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉल, हमने जैकपॉट मारा है। ए सुन, ये वाली फैमिली जिले की सबसे बड़ी फैमिली है और हमारी खुशकिस्मती देख के इस फैमिली में शादी करवाने के लिए हमें बुला रहे हैं। सुन, इस शादी को अगर हमने बिना कंट्रोवर्सी के सक्सेसफुल कर दिया ना तो देख हमारी लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी। ए, तुझे कोई डाउट है क्या? डाउट ये है कि इतने बड़े फंक्शन के लिए हमें क्यों बुलाया? चप्पल से मारूंगा तुझे। ये है कि तुमने शूज पहनी है। ए, हमारा नाम दूर दूर तक फैल चुका है और लोग माउथ पब्लिसिटी सिर्फ उसी की करते हैं जिसका काम बढ़िया होता है। स्टिल एक डाउट अभी भी है। बाप रे बाप रे बाप, देख घर तो कितना बड़ा यार। सहस्त्रा के ज्वाइन करते देख कितना बड़ा गुड लक मिल गया हमें। बिल्कुल, और यहाँ हमें बहुत अच्छा काम करके दिखाना है। यस साहब, यही लोग हैं इवेंट मैनेजर कंट्रोवर्सी कामेश्वर एंड कंपनी। नमस्ते सर। हाय ब्रो। क्यों रे? जी ये लोग तो गली के लुच्चे लग रहे हैं, क्या ये लोग शादी करवा पाएंगे? साहब इससे पहले भी 3 टीमें आई थी लेकिन अपनी फैमिली बैकग्राउंड सुन के भाग गई। मैंने बहुत मेहनत करके गूगल पे सर्च करके इन लोगों को कांटेक्ट करके बुलाया है। अच्छा ये बताओ सर, इससे पहले कौन कौन से इवेंट किए हैं तुम लोगों ने? फैक्ट ये है सर, 10 बर्थडे फंक्शंस, 5 मुंडन फंक्शंस, 3 गेट टुगेदर फंक्शंस, धोती फंक्शंस 3-4 किए होंगे, बस इतना ही है सर। मतलब तुमने शादी नहीं करवाई है? फैक्ट क्या है कि अपनी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है। वो बात ये है सर कि हमारी कंपनी बड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ी है, बस वही बता रहे। चाकू से केक काटेंगे तो बर्थडे होता है सर, रस्सी से मंगलसूत्र बांधेंगे तो शादी, बाकी अरेंजमेंट तो सेम ही रहते हैं ना। हमारे काम में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाएंगे। अरे जी, इन लोगों पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, ये लोग कर लेंगे ना? बहुत अच्छा करेंगे साहब, इन लोगों की बातों में सच्चाई है, जो सच है वही बता रहे हैं। ये लोग क्या फुसफुसा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने को मिलेगा भी या नहीं? फैक्ट क्लियर नहीं हो रहा, डाउट ही डाउट। मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बार आती होंगे, संभाल तो पाओगे ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस शादी का A to Z हम सब कुछ संभाल लेंगे। इस शादी में कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है ना सर? नहीं है तो ठीक है। अपनी कंट्रोवर्सी इन्हें नहीं पता है क्या? नहीं मालूम है साहब, कहीं बीच में भाग गए तो
कैसे भागेंगे साहब, एग्रीमेंट जो साइन करवाऊंगा। ओह, उन लोगों के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने को ही मिलने वाला है। फैक्ट तो ये लग रहा है भाई कि हमें अपना अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। फिर कल से काम शुरू कर दो। इससे पहले हमारी कुछ कंडीशंस हैं सर। क्या कंडीशन? हमारी कंपनी की कंडीशन ये कि शादी का काम शुरू होने से शादी का काम खत्म होने तक हमारा फूड, अकोमोडेशन, रेमुनरेशन सब कुछ क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए ना सर। तो ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये लो एग्रीमेंट पेपर, साइन कर दो। एग्रीमेंट रेडी रखा यार, ये कहीं अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं लिखवाया? यहाँ तो साइकिल भी नहीं है, क्या लिखवाएंगे। राइट सर, राइट सर, आइडिया सुपर है सर। अरे देखो, यही लोग हैं, शादी का सब काम यही देखेंगे। हाँ मैडम, हम लोग ही सब संभालने वाले हैं। दुल्हन के लिए ब्यूटीशियन भी तो चाहिए। इसका फेस देख के डाउट मत कीजिए मैडम, दुल्हन की जरूरतों को देखने के लिए हमारे पास एक शार्प और इंटेलिजेंट लड़की भी है मैडम। एंट्री क्या लोगी? यही वो घर है जिसे हमें डेकोरेट करना है। नमस्ते सर। नमस्ते। यही बड़े मालिक हैं। हेलो, नमस्ते। अप्सरा जी ने बुलाया, चलो। हाँ आता हूँ सर, आता हूँ। चलो, चलो चलो। मैडम ये लोग ही हैं इवेंट मैनेजर। हेलो काका, रमेश, चैपलिन और सहस्त्रा, टू लुक आफ्टर यू। हाय। आपकी वेडिंग ड्रेस और ज्वेलरी के डिजाइन लेकर आई हूँ आपकी वेडिंग के लिए। ये ब्राइड की ड्रेस डिजाइन है। वेडिंग ड्रेसेस, ज्वेलरी, रिसेप्शन ड्रेस। वंडरफुल, बहुत अच्छे हैं। यस। दूल्हे की ड्रेस डिजाइंस भी होंगी ना तुम्हारे पास? या वो भी दिखा देती हूँ। फैंटास्टिक। अभी हम दूल्हे के घर ही जाने वाले हैं, तो तुम चलकर मेजरमेंट्स ले लो और तुरंत काम स्टार्ट कर दो। ओके। सीनू मैडम, गाड़ी निकालो, हम सब जाएंगे। ओके मैडम। आप लोग यहाँ वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ओके मैडम। अच्छा फाइल दीजिए ना। ओ सॉरी 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 सॉरी। ओके ओके, जाइए जाइए, वॉशरूम में जाइए। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ पर है? वॉशरूम वहाँ पर है। हेलो सर। टाइम नहीं, जरा जल्दी कर। वो लड़की वो कहाँ गई? वो वॉशरूम में गई है, उनके कपड़ों पर कॉफी गिर गई थी इसलिए वो क्लीन करने के लिए। आप लोग मेजरमेंट्स ले सकते हैं ना? फैक्ट ये है कि वेडिंग ड्रेस डिजाइन्स देखे मैंने, बहुत अच्छे हैं, तुम देखोगे क्या? देखो मुझे इतना टाइम नहीं है, तुम ही पसंद कर लो। सुन मेरी बात सुन, वो लड़की एक्सप्रेशन दे रही है लेकिन वो लड़का उसका एडवांटेज नहीं ले रहा, चक्कर क्या है? कंट्रोवर्सी। हाँ, इस लड़की के बाप ने उस लड़के के बाप को मार डाला। इस शादी में इतनी कंट्रोवर्सी है? और भी है, इसने उस लड़की के बाप को मार डाला। अगर उसने इसके बाप को मार डाला है तो वो शादी करने के लिए कैसे मांगे? उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगा तो वो फांसी लगा लेगी। वो लड़की इससे इतने प्यार करी पर वो लड़का उससे प्यार क्यों नहीं कर रहा है? उस लड़के का दूसरी लड़की से अफेयर है। ऐसी कंट्रोवर्सी थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? इसीलिए तो एग्रीमेंट से लॉक कर दिया। पानो। हाँ चलो भाई। I'm so sorry. Measurements? हाँ ले लिए। भाई जरा एक मिनट, मैं कीज़ अंदर ही भूल गया। ठीक है। सहस्त्रा
अब हम चलें क्या? हाँ। Let's go. Yeah. क्या हुआ ब्रदर? कोलू के बैल के जैसे घूम रहे हो? उन लोगों ने क्या कहा था पता? कंट्रोवर्सी नहीं रही, कहा था ना? और अब अपनी जवान से पलट रहे हैं। अब अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं सीधा उस बुड्ढे के पास जाऊंगा। सब ठीक तो है? कहाँ चोट लगी? जरा दिखाओ तो, दिखाओ तो। अरे भाई ये क्या हुआ बताओ ना। जुबान दे के पलट गया और दादाजी से जुबान लड़ाया। जस्ट मिस किया। वहां तुम होते तो यही होता। ये क्या है यार, क्वेश्चन पूछेंगे तो मार डालेंगे क्या? अरे बाप रे, इन लोगों से संभल के रहना पड़ेगा। बुड्ढे से तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा। आंसर भी मत बता रहा। मतलब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आइडिया देख, अगर हमें इन कंट्रोवर्सी से बचना है ना तो एक कंट्रोवर्सी सहस्त्रा को आगे रख के हमको कहानी आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेट्स गो। इधर से चलिए। ओके। शर्म नहीं आती है? घर में दो दिन में शादी है और ये खून खराबा कर रहा है, न जाने कब अकल आएगी इसे। ए! हाँ साहब, उस कंट्रोवर्सी को बुलाओ। देखो फैक्ट ये है कि लोगों को साहब बुला रहे हैं। ओके। वो बुड्ढा मुझे बुला रहा है, मुझे क्यों बुला रहा है? इस सहस्त्रा का सहस्त्रा उधर उधर। सहस्त्रा, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग तुम्हें बुला रहे हैं। मैं थोड़ी बिजी हूँ, आप चले जाइए। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लो टेक इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी। जरा संभाल के, कुछ जरूरत हो तो हमारे आदमी को बोल देना। ओके। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सहस्त्रा है। ओहो। प्यार मेरी भी लव मैरिज है। जब मैं छोटी थी तब से मेरा एक ही सपना था कि मैं उससे शादी करूं। हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना तकदीर की बात है। प्यार को पाने के लिए तो मौत का भी सामना करना पड़ता है। हमेशा सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं होती। अगर तुमने सिचुएशन को बदल दिया तो तुम उसे पा सकती हो।
मैं उसे बिल्कुल नहीं पाना चाहती अप्सरा। क्यों, ब्रेकअप हो गया क्या? नो नो, ही स्टिल लव्स मी। तो फिर क्यों? ताकि वो खुशी से रह सके। तुम्हारे बिना वो खुश कैसे रहेगा? कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मुझे बताओ वो कौन है। अपने भैया को बताऊंगी, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मेरी शादी नहीं हो सकती अप्सरा। वो इस वक्त कहाँ पर है मुझे तो ये भी नहीं पता। सहस्त्रा, फोटो तो तुमने नहीं दिखाई, कम से कम उसका नाम तो बता दो। सिद्धार्थ। कहाँ है खून? सपना देख रहे हो क्या भाई? हाँ सपना ही था, लेकिन अगर यहाँ रहे ना तो ये सपना सच हो जाएगा। मुझे ना पैसे चाहिए ना कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना ये शादी चाहिए। चल यार। क्या कर रहे हो भाई? पैकिंग। मुझे मेरे सपने में फ्यूचर क्लियर दिख रहा है। अगर यहाँ रहे ना तो मरना पक्का। जल्द से जल्द निकलने यहाँ से, उसी में भलाई है। कपड़े निकाले, चल जल्दी कर। उठ रे, उठ जा। तू रोज ऐसे ही सोता है क्या? क्यों भाई, शादी हो गई क्या? शादी भूल जा, अगर यहाँ रुके ना तुम्हारे श्राद्ध हो जाए। चल जल्दी उठ। फाइनल फैक्ट का टाइम आ गया है, जल्दी निकल ले यहाँ से। चल चल, रास्ता साफ है, चल। सहस्त्रा अंदर ही रह गई। अरे यार, हमें क्या करना है? क्या उसे लेके आना पड़ेगा ना, वरना वो बेचारी बेकार मरी जाएगी। हमें हर हाल में उसे निकालना होगा यार। एक काम कर, तू मेरा बैग पकड़। चल और तुम जाओ, वहां चले जाओ। मैं सहस्त्रा को अंदर से लेके आता हूं। मेरे साथ चल। चल चल चल। वो कह रहे कि नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे ही भटक रहा था। वो सहस्त्रा से कुछ डिस्कस करना था मुझे, तो मैं सोचा था कि क्यों ना मैं बात कर लूं। और ये बात क्यों नहीं कर रहा? लगता है इसे सारा मामला पता चल गया। भाई मैं ये बताना चाह रहा था कि अब ये कौन आ रहा है यार? अरे मेरे भाई कुछ बताना मत, प्लीज प्लीज कुछ मत बताना। माचिस दे रहे है ये भी ना, मछली आँख खोलकर सोती है, वैसे ये भी सो रहा है, पागल कहीं का। क्या रे, आँख खोल के भी कोई सो सकता है क्या? कितनी बुरी तरह से डरा दिया था, जान ही निकल गई मेरी तो। सहस्त्रा, सहस्त्रा। फैक्ट में टेंशन आ गई है, सिगरेट है क्या? नहीं भाई। हाँ? तुम सिगरेट भी पीते हो क्या? हे, तुझे बताए बिना बहुत कुछ करता हूँ, चुप रहे। सहस्त्रा उठो ना। सहस्त्रा इस होने वाले दूल्हे से प्यार करती है। कॉन्ट्रोवर्सी तो सब कुछ यहीं पर है, अर्जेंटली ऐसे निकलना चाहिए। ए, माचिस दे यार। नहीं है। सिगरेट मिल गई। सुनो भाई, मेरे पास है, आ रहा हूँ। अरे मरवा दिया इसने। ये रही माचिस, रुकिए मैं ही जला देता हूँ। एक सिगरेट मिलेगी प्लीज? एक प्लीज। हाँ थैंक यू। टाइम है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? फैक्ट क्या है कि इस घर में शादी नहीं होने वाली, बल्कि श्राद्ध होने वाला है, इसीलिए ये एस्केप प्लान। बाकी लोग कहाँ है? भाई ऑलरेडी सहस्त्रा को अंदर लेने गए हैं, और हमारा दूसरा साथी उधर है, वहां देखो। क्या कर रहा है यार?
कुछ नहीं, वो नाप ले रहा था, डेकोरेशन करना है ना, कि दीवार कितने मीटर है और कर्टन कितने मीटर लगाना है, बस वही सब। अच्छा अच्छा, तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? वो लोग तो अंदर हैं, अंदर मेजरमेंट ले रहे हैं ना। यही है ना वो लोग? भाई हाथ मत उठाना है। अरे रे 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 रे, क्या है, तुम लोग अभी तक यही हो? वो क्या है ना कि इनकी दादी मर गई तो मैंने इन्हें छुट्टी दे दी थी। फैक्ट ये है कि मेरी दादी मरे 5 साल हो गए। वो दादी नहीं, वो क्या है कि दादा मर गए है ना। चाहे जितनी भी कंट्रोवर्सी हो, काम पकड़ने के बाद उसे छोड़ नहीं सकते। अगर साहब को पता चला तो। नहीं नहीं नहीं, बस करो भाई, इतनी छोटी सी बात बुजुर्ग तक क्यों पहुंचा रहे हो? हम लोग चलेंगे ना। चल चल चल, काम करना है, चल ना, देख क्या रहा। आप अच्छे लग रहे हो। भाई बाहर गांव वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। पानी के बिना हमारे खेत सूखे जा रहे हैं, पीने के लिए भी एक घूंट पानी नहीं है। बेटा, हमारे उद्धार के लिए आपने शादी के लिए हाँ की, फिर भी हमारी जिंदगी नहीं सुधर रही है। हमें आप अभी तक पानी क्यों नहीं दे रहे? ये जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने हमारे बेटे को बुरी तरह से पीटा। सूर्या, शादी के दिन बाहर जाना अशुभ माना जाता है। सूर्या, अगर मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए अशुभ हो जाएगी। रुक, मैं जाकर आता हूं, तब तक तू इन्हें संभाल। ठीक है भाई। भाई बात करने जा रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। जी, जी, जी। सहस्त्रा दूल्हे से प्यार करती है। यहाँ शादी किसकी है सहस्त्रा को पता है? और सहस्त्रा के बारे में दूल्हे को पता चल गया तो शादी रुक जाएगी और दोनों फैमिली एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर दूल्हे के बारे में सहस्त्रा को पता चल गया तो सहस्त्रा चली जाएगी। तो फिर मैं बता क्या, कहाँ जा रहा तू? तेरे कहने पे तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया और अब तू सारा खेल बिगाड़ने जा रहा है। अभी तो तुझे सिर्फ हाथ से मारा, बाद में चप्पल से मारूंगा। मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। ये बात तूने मुझे बताई या नहीं बताई मुझे नहीं मालूम, पर मैंने जो सुना वो फैक्ट है। तुम जाओ। सहस्त्रा, हाँ, बोलो। सहस्त्रा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, मुझे सिलेक्शन करने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगी? सहस्त्रा, एक मिनट। चलो ना। टाइम बॉम्ब में काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, कब ब्लास्ट होगा कुछ पता नहीं। अभी होगा। अभी? अभी और इसी वक्त गांव में पानी छोड़ दे। वो सब हो जाएगा, थोड़ी देर में शादी है, पहले शादी तो हो जाने दो। सूर्या, ये काम अभी होगा। ऐसे देख क्या रहे हो, फोन लगा के उसे बोलो। ए, पानी छोड़ दे। भाई पानी छोड़ दिया। तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलो। तुम जिसे प्यार करती उसके बारे में है। अब उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बार सुन तो लो। सहस्त्रा को शादी के लिए तैयार करना है। सहस्त्रा मेरी बात तो सुनो। सहस्त्रा, अरे संभल के यार, सीधा करो ना। हाँ, और ये कॉर्नर्स के फ्लावर्स चेंज कर दो। हाँ, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा। इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है ना? ये कैसा लग रहा है? उसका नाम सूर्या है, सूर्य प्रताप।
रहो बेटा। सहस्त्रा, लोग जिंदगी में एक दूसरे से प्यार इसलिए करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ खुश रह सके। लेकिन एक बात बताऊं, वो दूल्हा खुश नहीं है। मुझे सब कुछ पता है सहस्त्रा, मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले ही बता देना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। पर अब चाहे कितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों ना आए, तुम दोनों को मिलना ही होगा। गो। जाओ। तुमने मुझ पर भरोसा किया और मैं तुम्हारा दिया हुआ काम इस तरह अधूरा छोड़कर जा रही हूं, इसके लिए मुझे माफ कर देना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। I'll talk to you। भाई वो अक्षत का है? शास्त्रा से पूछो ना। अच्छा ठीक है। Yes? ये शास्त्रा कौन है? इवेंट मैनेजर। ओह, इवेंट मैनेजर। ओह हेलो। हाँ? इवेंट मैनेजर तो है लेकिन इसे इतना लाइटली मत लीजिए। फैक्ट क्या है कि वो दूल्हे की एक्स लवर है। और एक फैक्ट बताऊं, वो यहाँ है, ये दूल्हे को पता चलेगा तो ये शादी ठप पड़ जाएगी। शास्त्रा कहाँ है? मैं भी शास्त्रा को सुबह से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहाँ है पता नहीं। तो अभी बताता हूँ। फैक्ट बताता हूँ तो स्लैप पड़ता है। यहाँ किस लिए आई? शादी रुकवाने के लिए? नहीं, पता नहीं था इसीलिए आई। अब पता चल गया है तो जा रही हूँ। नाटक मत कर। तू प्रेग्नेंट है, इसका ढिंढोरा पीट कर सूर्या से शादी करना चाहती है, यही प्लान है ना? मैं कोई नाटक नहीं कर रही, जाने दो मुझे। से अगर पता चला कि तुम यहाँ आई थी तो वो शादी नहीं करेगा। मैं मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ, मैं अब कभी भी उसके सामने नहीं आऊंगी। जाने दो मुझे प्लीज। पहली बात ये कि तू यहाँ पहुँची है और दूसरी बात कि तू प्रेग्नेंट है। इन दोनों बात से हमेशा खतरा बना रहेगा। मारने वाले से ये शादी क्यों करवा रहा हूं पता है? ताकि जिस माइन के लिए उसने मेरे बाप को मारा वो माइन मेरी हो जाए। शादी होने के कुछ दिनों के बाद वो मर जाएगा और वो माइन मेरी हो जाएगी। के कुछ दिनों के बाद वो मर जाएगा और वो माइन मेरी हो जाएगी। हाँ।
सहस्त्रा। 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 अगर तुम शादी कर लोगे तो हमेशा खुश रहोगे, यही सोचकर मैं तुमसे दूर रही। अपने पेट में भर रहे बच्चे में तुम्हारी छवि देखकर जिंदगी बितालूंगी, यही सोचकर अब तक जी रही थी। तुम प्रेग्नेंट हो। भद्रा, गाड़ी निकालो। सहस्त्रा, तुम्हारी ये हालत बनाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफी की तुमने। देखो, तुम्हारी बहन उससे प्यार करती है इसलिए शादी नहीं करवा रहा हूं। उसके प्यार का सहारा लेकर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के लिए रुक नहीं सकते थे? बहुत जल्दी थी ना तुम्हें, वो देखो कुछ समझे? दीवार पे टंग है ना, अपनी मौत खुद बुला ली। बहन की खुशी के लिए ही मैंने ये सब किया है। हर भाई अपनी बहन को डोली में बिठा कर भेजता है और अब सहस्त्रा की अर्थी पर मुझे बिठा कर भेज रहे थे। आपने जो कुछ भी किया बड़ा भाई समझकर मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक औरत के नाते मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। साहब, मेरे पास एक आइडिया है। साहब, क्या है बोल। भाई को मलेशिया भेज देंगे, वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा और भाई भी सेफ रहेंगे। उससे डर कर मैं यहाँ से भाग जाऊँ क्या? उससे डर के नहीं, अपनी मौत के डर से। वो मुझे क्या मारेगा, उससे पहले मैं ही उसे मार दूंगा। डॉक्टर, बच्चे को तो हम नहीं बचा पाए, इनकी कंडीशन भी अभी काफी क्रिटिकल है। आई एम सॉरी। कर्मकांड हो गया क्या? इसी दिन के लिए मैंने अपने पिता की चिता से भस्म लेकर प्रतिज्ञा की थी। मरने से पहले उसने बहुत विनती की मैं छोड़ देता, लेकिन तभी पता चला कि उसके पेट में 13 बच्चा पल रहा है, और तब गुस्से में जो मैंने उसके पेट में एक बार चाकू मारा, तो दोबारा उसी आनंद के लिए बार बार उसे चाकू मारा। बाप मर गया पैदा होने से पहले, तेरा बच्चा मर गया, तू जिंदा रह के क्या करेगा? रे
ऐसा नहीं करोगे। खून खराबे से तुम दूर रहोगे और हमेशा तुम मेरे वाले जिद्दार बने रहोगे। हाँ पागल हो गई हूँ, प्यार में पागल हो गई हूँ। मैं बचपन से लेकर आज तक सूर्या और उसके परिवार के बारे में सुनती आ रही हूँ। मैं भी उसके परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। आपने उसके परिवार को आज तक सिर्फ नफरत की नज़र से ही देखा है, पर इन गांव वालों ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार की नज़र से देखा है। जब मैं बड़ी हुई और मैंने सूर्या को देखा तो मेरा प्यार पागलपन में बदल गया और आपने मेरे प्यार को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। सूर्या ने भले ही हमारे पिताजी को मारा हो, लेकिन फिर भी सब उसे भगवान जैसा मानते हैं। बुराई को खत्म करने वाला भगवान ही होता है भैया। रुक जाइए। देख लिया कांटे बोने का क्या असर होता है और देख लिया फूल लगाने का क्या असर होता है। तू इस मिट्टी में पैदा हुए किसी राक्षस से कम नहीं है। जिस सहस्त्र को तू मारना चाहता था, आज उसी सहस्त्र की वजह से तू यहां सही सलामत खड़ा है। अगर मेरी मौत से ही तेरी दुश्मनी खत्म होती है। तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। उतार दे सारी की सारी गोलियां मेरे सीने में। सिद्धार्थ कहाँ है? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुम जिससे शादी करने वाली थी मुझे नहीं पता था कि वो वही मेरा सिद्धार्थ है। अगर पता होता तो तुम दोनों के बीच मैं कभी नहीं आती। तो जब पता चला तब क्यों नहीं बताया? जब मुझे पता चला कि तुम सिद्धार्थ से इतना प्यार करती हो, तब ये बताने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मैंने जिससे प्यार किया था वो सिद्धार्थ नहीं, सूर्या था। सिद्धार्थ ही सूर्या है ना? मैंने जिससे प्यार किया था, अगर ये वो सूर्या होता तो आज मेरे भैया जिंदा नहीं होते। ये वो सूर्या नहीं रहा, तुम्हारा सिद्धार्थ है। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी, थोड़ा सा मुस्कुरा दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। स्माइल। Ha ha ha!